आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरभि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। गोंडा में दिनदहाड़े लूट की वारदात। छपिया थाना क्षेत्र में हुई 130,000 की लूट। दिनदहाड़े लूट से इलाके में मची सनसनी। लुटेरों की तलाश में लगाई गई थी कई थानों की पुलिस। एक लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए और एक मोबाइल बरामद। कामता प्रसाद इंटर कॉलेज के पास हुई थी लूट की घटना। लुटेरे को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी है पुलिस। गोंडा बस्ती के बॉर्डर इलाके का है यह मामला। और थाना छपिया क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ 1,00,000 रुपए की लूट हुई है। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जगह जगह चेकिंग लगाई गई और इसमें वो बैंक से पैसे लेके जा रहा था, 1,00,000 लेके जा रहा था। उसका कहना था कि रास्ते में 3 लोगों ने उसे रोका, उसे भ्रमित किया और उसके पैसे छीन के लेके भाग गए। संबंधित पकड़ने पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और उन अपराधियों का एक सहयोगी पकड़ भी लिया गया है। इसमें आधे पैसे 50,000 रुपीज मिल गए हैं, उसका मोबाइल मिल गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनको गिरफ्तार करके कंप्लीट रिकवरी सुनिश्चित कराई जाएगी। गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक के खीरी डी ग्राम सभा का मामला, जहां पर कोटेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। आरोप है कि कम राशन वितरित करते हैं तथा जनता के द्वारा पूछे जाने पर उनको गाली देकर भगा देते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रति यूनिट राशन 2 किलोग्राम काट लिया जाता है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कोटेदार घटतौली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरोप यह भी है कि कोरोना काल में भी कोटेदार ने लोगों को 1 महीने में 1 ही बार राशन दिया, जबकि अंगूठा 2 बार लगवाया। अंगूठा लगवाने के बाद लोगों से यह कहकर टाल दिया जाता था कि अंगूठा मैच नहीं हुआ। दबंग कोटेदार की दबंगई के बल पर कर रहे हैं घटतौली। कुछ लोगों का तो यह भी आरोप है कि कोटेदार जान से मारने की धमकी भी देता है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह तोमर की रिपोर्ट। तेजस कुमार गुप्ता नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष भी हूँ वजीरगंज ब्लॉक से, और हमारा मेन मामला कोटेदार से, ग्राम सभा क्रीडी कोटेदार। क्या मामला है सर? ये काफ़ी जो कार्ड धारक हैं, राशन धारक हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बराबर राशन नहीं मिल रहा है। जिनका ज़्यादा यूनिट है, जैसे 6 यूनिट है, तो उनको 30 किलो गल्ला मिलना चाहिए, जिसमें से 20-15 किलो मिल रहा है, वो भी 2-4 बार भगाने के बाद, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई आपत्ति करता है तो यहाँ ये जाके पहले कुछ पैसा कौड़ी दे देते हैं, कोई सुनवाई है। अभी कल का मामला है, हम इनके, हमारा जो रास्ता है इनके घर के बगल से है, हम वहीं से जा रहे थे, हमें रोक लिए, काफ़ी धमकी भी दी है, मारने की धमकी दी, हम जान से मार देंगे। कुछ चुनावी रंजिश भी ले रहे हैं और काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कह रहे हैं तुम्हारा घर अवैध है, गिरवा देंगे, और तमाम किस्म के हमें दबाव। ऊपर क्या चुनावी रंजिश है? चुनावी पंचायती चुनावी है, तो हम भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, नहीं हम जान से मार देंगे। हमारे अगर जो दखलंदाजी देंगे आप कोटा में, तब भी हम आपको जान से मार देंगे। जो कोटेदार हैं, काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं ये, बाहर से भी जोर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। नेता नगरी से इनका पकड़ है और काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिए हैं। और इससे पहले ये इनके घर में एक असलहा, 2-3 असलहा सब बरामद हुआ है, हमारे वजीरगंज थाने के ही लेके गए हैं पकड़ के। और इससे पहले जहां हमें ये पकड़े थे मारने के लिए, घर भर घेरे थे, वहां एक मुस्लिम बिरादरी का मर्डर भी किए हैं, 302 का मुलजिम भी हैं ये, और जेल काट के आए हैं। वही दर है जहां हमें घेरे थे मारने के लिए, हम किसी तरह जान बचा के भागे हैं, 100 नंबर डायल किए थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर थाना को हम दरखास्त दिए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या नाम है? द्वारिका प्रसाद। किस ग्राम सभा के? 3D। क्या मामला है? मामला यही है कि कभी गल्ला देते हैं, कभी नहीं देते हैं, हम गरीबी में जी। कितने यूनिट है आपकी? 8 यूनिट है साहब। कितना किलो गल्ला पाते? 20 किलो। 40 किलो मिलना चाहिए, तो 20 किलो। हाँ, 20 किलो। अच्छा दादा, कहीं आपने कंप्लेन वगैरह नहीं किया? साहब कैसे कंप्लेन करें? अच्छा, हम बुढ़ा आदमी कहाँ रहे। अच्छा, जैसे आप उसके यहाँ गल्ला लेने जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? जैसे गाँव के कभी सभी आदमी जाते हैं तो किसी के हाथ बोरा दे देते हैं, किसी का पक्ष नहीं देते हैं। अच्छा, नहीं आपको कहते हैं 20 किलो देना, हर लोग नहीं जाओ। अच्छा साहब, जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो कहें उसने क्या? तो वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं जैसे कोई तगड़ा है उसके यहाँ एक बोरा दे देते हैं, वो हमारे सामने कोई बात नहीं करेंगे। ना पाने के बाद आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ, आधार कार्ड बना कहीं भी दे दो। भाग का पूनम किस ग्राम सभा की रहने वाली? खिरडी है, गौरा। क्या मामला है? गल्ला नहीं मिलत है। क्यों गल्ला? क्यों गल्ला नहीं मिला? 15 किलो मिलत है। कितने यूनिट है आपके यहाँ? हमार 5 आधार लगा है। 5 आधार तो 25 किलो मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है? 15 किलो। क्यों पूछा नहीं? वो का देता नहीं है तो का कर? क्या कह रहे हैं? कहा था इतना है 5 किलो हम हूँ तो मिले चाहिए। अच्छा ऐसा कह रहे हैं, चलो ठीक। खिरडी मोजक हुई, राजेश हमार नाम है। क्या क्या मामला है? हमको गल्ला नहीं देते हैं। अप्रैल में हमसे दस्तखत कराए ली, अंगूठा लगवाए ली, नौकरी बाद में जब गल्ला ताए गए तो गाली दे के हमका भगाए दिए। अब हमारे कार्ड में फिर 3 आदमी बाहरी डाले रही। जब हम कहें कि हमारे जैसे 6 यूनिट है और 3 बाहरी डाले तो 3 का हमारे ही काट लियो, 6 का हमारे दे दो, तो कहें कि हम ना दे पाई, पूरे परिवार से गाली दे के खेदिन रहा। अच्छा कुछ ऑब्जेक्शन हो उससे? ऑब्जेक्शन किया कि नहीं किया? सर जहाँ पर जाते थे तहाँ पर पैसा सब लेके हजम हो जाता है। कहाँ तक आप शिकायत की? शिकायत यहाँ ऑनलाइन कराई, वो भी हजम हो गया। फिर घुमा गए, अरे तरबगंज गए ऑनलाइन कराएँ, वहूँ ये सब पहुँच गई, वहूँ से हमारा हजम कर ली। 3-4 ठो रजिस्टरी की 3-4 बार में वो हमारे सब हजम कर ली। ये कहा था जहाँ जहाँ जाबो तहाँ तहाँ घुस दे के सब बैठ जाए। मतलब आपका ये कहने का? हमारी 6 यूनिट थी। कितना किलो मिलता है? कुछ नहीं। मतलब एक भी किलो नहीं दिया? कुछ नहीं। महीने में कितनी बार आप गल्ला पाती हैं? 8 महीना हो गया हमसे अंगूठा भी लगवा लेते थे और गल्ला नहीं देते थे, और जब गल्ला ताई जाओ तो वे उल्टा सीधा बाकी का खेत दी नहीं। अप्रैल से हम गल्ला नहीं लिए हैं, न गान अप्रैल में एक बार लगाए हैं, उसके बाद ना अंगूठा लगा ना गल्ला लिहन। हम कहें अगर हम न खाब तो तुम न खाए दिए। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।